क्यों छलका पूर्व सांसद सुमन महतो का दर्द। आखिर कौन है सुमन महतो, आइए जानते हैं। जमशेदपुर के पूर्व झामुमो सांसद सुनील महतो की पत्नी है सुमन महतो। आपको बता दे कि आज से ठीक 13 साल पहले घाटशिला के बादुड़िया में बतौर मुख्य अतिथि एवं फुटबॉल मैच में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सांसद सुनील महतो की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसमें उनके अंगरक्षक को भी नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था। वहीं 13 साल बीत गए लेकिन आज तक सांसद हत्याकांड मामले का खुलासा नहीं हो सका है, जबकि CBI और NIA ने भी घटना की जांच की है। ऐसे में शासन और प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी है। वैसे आज दिवंगत सांसद की 13वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी पत्नी का दर्द शासन और प्रशासन के खिलाफ छलक ही गया, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा जनप्रतिनिधि बनने से अच्छा हथियार उठाना ही है। उन्होंने कहा कि वैसे नक्सली जिनका कोई धर्म नहीं होता, जिन्होंने ना जाने कितनी माँ की गोद सुनी कर दी, कितनी बहनों की मांग सुनी कर दी और कितने बच्चों के सर से उनके पिता का साया छीन लिया। वैसे नक्सलियों को सरकार दामाद की तरह सरेंडर पॉलिसी का लाभ देकर आजाद कर देती है, लेकिन मेरे पति के हत्यारों को आज तक बेनकाब कर पाने में सरकारें नाकाम रही है। हालांकि सुमन महतो का वर्तमान झारखंड सरकार पर भरोसा कायम है। आपको बता दे कि पूर्व सांसद सुनील महतो की हत्या से ठीक एक साल बाद तमाड़ के विधायक पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की भी हत्या हुई थी, लेकिन उनकी हत्या का खुलासा कर दिया गया और आरोपी नक्सली कुंदन पाहन आज सलाखों के पीछे है और साजिश का आरोप लगा तमाड़ के पूर्व विधायक सह मंत्री राजा पीटर पर, जो आज सलाखों के पीछे है। वहीं दिवंगत सांसद हत्याकांड का आरोप हार्डकोर नक्सली राहुल दस्ते पर लगा, जिनके कई नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल में सरेंडर कर दिया है, लेकिन आज तक CBI, NIA और झारखंड पुलिस उस हत्याकांड का खुलासा नहीं कर सकी है। हमको तो आज तक जो न्याय की हम उम्मीद किए थे वो तो नहीं मिला। ये 13वां साल है, 2007 में घटना घटी थी और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये CBI में भी गई थी, उतने साल रही, CBI से कुछ नहीं आ पाया, जो देश की सर्वोच्च संस्था है। उसके बाद ऐसे तैसे कैसे भी ये हुआ कि आत्मसमर्पण हुआ जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ तो वहाँ से आया नहीं। उसने एक रटा रटाया जवाब दे दिया कि वो नासूस की मदद करते थे और गांव की तरफ ज़्यादा जाते थे, है ना, इसलिए मतलब इस घटना को अंजाम दिया उन्होंने। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मैंने NIA में भी लिखा और सब चीज हुआ वहाँ, 1.5 साल हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पार। मैं देखिए उनके मेन स्ट्रीम में आने की मैं कहीं भी विरोध नहीं करती हूँ कि वो लोग अच्छे रास्ते पर आए, है ना, ठीक है, जो भी गलती वो लोग किए किए, हर के जीवन में कुछ ना कुछ ये रहता है, तो अगर वो लोग मुख्य धारा से जुड़ते हैं इसका मैं कहीं विरोध नहीं करती हूँ, जरूर जुड़े, है ना, उनको भी ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, उनके भी बीवी बच्चे होंगे, लेकिन उनको माला पहनाया जाता है और हीरो के रूप में जब पेश किया जाता है, आप बताएं हम जैसे परिवार को कैसा लगता है। और उनको सारी सुख सुविधा, इतने लाख रुपये उनके बच्चों के लिए फ्री में पढ़ाई, उनका पूरा फ्यूचर मतलब क्या सेटल्ड रहता है। अब मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे जैसे जो और परिवार हैं वो भी तो कुछ उम्मीद लेते हैं कि हमने अपना सब कुछ खोया, अगर होना चाहिए न्याय तो समान रूप से सबके साथ होना चाहिए। इंडिया न्यूज़ वायरल के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।